बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्विक मेट के बारे में पढ़ेंगे। क्विक मेट की मदद से हम अगेन कंपोनेंट्स को मेट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्विक मेट अप्लाई करने के लिए हमें असेंबली कमांड मैनेजर से मेट की कमांड को असेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कंट्रोल टी की मदद से अपने कंपोनेंट्स के दरमियान मेटिंग के रिलेशनशिप को डिवेलप करते हैं। और जब हम कंट्रोल की को रिलीज करते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग द कंपोनेंट्स, तब हमारे पास एक विंडो जो है वो पॉप अप विंडो जो है वो डिस्प्ले होती है, और हम उस टूल बार में से मेट पे क्लिक करके मेट को असाइन कर देते हैं। क्विक मेट की विंडो को हम स्टैंडर्ड मेट्स, कैम मेट, स्लॉट मेट, सिमेट्रिक मेट, प्रोफाइल सेंटर, एडवांस डिस्टेंस एंड एंगल मेट के लिए यूज़ करते हैं। क्विक मेट की विंडो को एक्टिवेट करने के लिए आप टूल्स पे जाएं और यहां से आपने कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके पास कस्टमाइज की विंडो ओपन हो जाएगी। देन अंडर द टूल बार और कॉन्टेक्स्ट टूल बार आपके पास यहां पे शो क्विक मेट्स की ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगी। अगर ये चेक नहीं है तो आप इसे चेक कर लें, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होती है। ओके, तो अब हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट है और मशीन और एक्सेल है जिसकी हमने असम्बली करनी है। तो मैं यहाँ पे इस एक्सेल को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा और अपने इस मशीन का जो इनर फेस है इस पर क्लिक करके कंट्रोल की रिलीज करूँगा, तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे कंसेंट्रिक मेट अप्लाई करना है, और ये कंसेंट्रिक मेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। देन हम यहाँ पे अब एक डिस्टेंस मेट जो है वो अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पे इस मशीन के बैक फेस को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करूँगा, और इस एक्सेल के इस फेस को सिलेक्ट करके कंट्रोल की रिलीज करेंगे। आप यहाँ पे देखें अगेन विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। अब मुझे डिस्टेंस मेट अप्लाई करना है। डिस्टेंस के अंदर मैं 15 यूनिट का डिस्टेंस ऐड करूँगा, और इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखें मेरे पास मेट जो है 15 डिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। फर्दर आप इस मेट के फोल्डर पे जाएं और यहाँ पे देखें कंसेंट्रेट और डिस्टेंस का मेट हमने यूजिंग द क्विक मेट टूल जो है वो हमने ऐड कर लिया, और इसके लिए हमने सेपरेटली इस मेट के बटन पे क्लिक करके मेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से क्विक मेट को सॉलिडवर्क्स के असेंबली एनवायरनमेंट में अप्लाई करते हैं। थैंक यू।